सरयू किनारे राम नाम का महायज्ञ। नेपाल से आ रहे हैं 21,000 पुजारी। अयोध्या में होगा 24,000 श्लोकों का जाप। 108 नर्मदेश्वर शिवलिंग की होगी स्थापना। यज्ञशाला में बने 100 कुंड। पूरे देश में प्रभु राम के प्रति भक्ति का प्रवाह इस वक्त चरम सीमा पर है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले सरयू तट पर राम नाम महायज्ञ शुरू होगा। इनमें हिस्सा लेने के लिए नेपाल से 21,000 पुजारी आ रहे हैं। क्या क्या है तैयारियां, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या का कण कण राममय हो गया है। भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी पर पूरे देश की नहीं बल्कि विश्व भर की निगाहें टिकी हैं। इस महीने की 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए भव्य आयोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये बेहद ही खास और यादगार अवसर होने वाला है। 14 जनवरी से 25 जनवरी तक अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 108 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की स्थापना के लिए एक भव्य राम नाम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ के आयोजन के लिए ही नेपाल से 21,000 पुजारी अयोध्या आ रहे हैं। जानते हैं कैसा होगा ये महायज्ञ। राम नाम महायज्ञ के आयोजन के लिए 1,008 झोपड़ियां भी तैयार की गई हैं। इसमें एक बहुत ही भव्य यज्ञ मंडप बनाया गया है जिनमें 11 परतों की छत है। ये झोपड़ियां राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के रेत घाट पर 100 एकड़ में बनाई गई है। स्थापना के लिए 1,008 शिवलिंगों के लिए मध्य प्रदेश से विशेष पत्थरों को मंगाया गया है। महायज्ञ के बाद इन सभी शिवलिंगों को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। अयोध्या में होने वाले राम नाम महायज्ञ में आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा भी शामिल होंगे। नेपाली बाबा पहले अयोध्या में ही रहते थे पर बाद में नेपाल जाकर बस गए। 14 जनवरी से शुरू होने वाले महायज्ञ के दौरान रामायण के 24,000 श्लोकों के जाप के साथ 17 जनवरी से हवन शुरू होगा जो 25 जनवरी तक चलेगा। साथ ही हर दिन 1,008 शिवलिंगों का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा और यज्ञशाला में बने 100 कुंडों में 1,100 जोड़े राम मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।